नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रयागराज ऑफिशियल अपडेट में। आज मैं आप लोग को दिखाने चल रहा हूँ प्रयागराज रामबाग स्टेशन पे रीडेवलपमेंट का काम, जो कि पुनः विकास चल रहा है। और पुनः विकास के चलते क्या क्या काम हो रहा है स्टेशन पे, आप लोग को वो सब दिखाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए बैक कैमरा से आप लोग को दिखाते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह कमेंट करते रहिए। अच्छा, कुंभ मेला की तैयारी आप लोग को मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रयागराज रामबाग का बोर्ड लगा हुआ है और आप लोग को दिखाते हैं वर्तमान समय पर यहाँ पर निर्माण चल रहा है। तो दोस्तों, सामने आप लोग देख सकते हैं पहले यहाँ पे एक ओवरब्रिज था जो कि इसको ध्वस्त कर दिया गया था, और अभी वर्तमान समय पर यहाँ पे नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो कि सामने आप लोग देख सकते हैं। इसको ऊंचा किया जा रहा है मिट्टी वगैरह डाल करके। ताकि यहाँ पे ट्रेन लग सके। और जैसा कि अभी सामने ये मेमो एक्सप्रेस लगी हुई है बनारस प्रयागराज से रामबाग, तो इसमें ये एक दिक्कत है कि लोगों को चढ़ने के लिए नीचे से चढ़ते हैं ऊपर तक। जब ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो लोग सीधा ऊपर तक चढ़ सकते हैं। जो बुज़ुर्ग लोग होंगे उन लोग को दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे दिखाते हैं आगे क्या काम चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे झाड़ी वगैरह साफ करने का काम चल रहा है। हो सकता है यहाँ से एक और लाइन भी छाई जाए, जो नई वाली लाइन डबल लाइन आ रही है, मे भी शायद इधर से ज्वाइंट किया जाए। देखिए लाइन और भी कई सारी हैं, बट ये यार्ड टाइप की लाइन बनाई गई है जिस पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। प्लेटफॉर्म वाली लाइन बनाने का मे भी शायद काम चल रहा हो। दोस्तों, यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म के बगल में मिट्टी निकाल करके गड्ढा कर दिया गया है। अब मे भी यहाँ पे गिट्टी वगैरह डाल के एक बार लाइन भी छाई जाए। देखिए अभी क्या काम होता है, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पे देख सकते हैं आप पिलर वगैरह भी है, कई सारे बीच बीच में पिलर है। इस साइड भी देखिए मिट्टी वगैरह निकाल दिए है और इधर प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा कर दिए। बहुत ही बड़ा हो गया है प्लेटफॉर्म, अब यात्रियों को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करना पड़ेगा, बस छावनी वगैरह बनाने का काम अभी वो बचा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, सभी लेबर दीवार पर से मिट्टी वगैरह हटा करके उसको तरी वगैरह कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिट्टी निकाली जा रही है क्योंकि ये मिट्टी ज़्यादा है, तो इसको ये लोग खोद खोद के निकाल करके गधे को पल्ला के आगे ले जाके गिरा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओवरब्रिज बनाया गया हुआ था जो कि ध्वस्त कर दिया गया है, और सामने आप देख सकते हैं टूटा हुआ ओवरब्रिज जो कि अभी काम चल रहा है। यहाँ पे 2 से 3 लिफ्ट लगाए जाएंगे, इसलिए इस ओवरब्रिज को तोड़ दिया गया है।
लिफ्ट रहेगा, एलिवेटर भी रहेगा। देखिए जैसे ही गेट के पास आएंगे रामबाग स्टेशन के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नया टिकट काउंटर बनाया जा रहा है और कुछ नई बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही है और इस साइड में पार्किंग वगैरह बनाया जा रहा है। ये देखिए दो पहिया वाहन इधर के लिए है, बाकी चार पहिया चल लगा हुआ है। यहाँ पे नया टिकट काउंटर वगैरह बन रहा है, मे बी वेटिंग हॉल वगैरह भी बनाया जाए। क्योंकि आने वाले महाकुंभ में कई सारी ट्रेनें यहाँ से चलाई जाएंगी, तो लोगों का भीड़ यहीं पे इकट्ठा होगा। ये देखिए ये पुराना वाला टिकट काउंटर है अभी। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।